गोरखनाथ मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ के अंतर्गत नवनिर्मित मंदिर के सामने स्थित यज्ञशाला में सुबह अवाहित देवी देवताओं का पुष्टोपचार पूजन हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सूर्य वरुण आदि ऋग्वेद द्वार यजुर्वेद द्वार सामवेद द्वार तथा अर्थवेद द्वार का पूजन वैदिक ब्राह्मण पूजन हुआ। इसके उपरांत नेत्रित कोण पर वास्तु देवी व्यास कोण पर क्षेत्रफाल ईशान कोण पर प्रधान वेदी एवं ध्वज तथा अग्नेय कोण पर अग्नियों का पूजन वैदिक मंत्रों के बीच हुआ तथा आरती के साथ सुबह का पूजन कार्य संपन्न हुआ। सायंकाल में चारों द्वारों वेदियों का पूजन संपन्न हुआ तथा अरणी मंथन द्वारा अग्नि प्रकट कर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञ में आचार्य गण द्वारा आहुति डाली गई। आज सभी मूर्तियों को अन्न अधिवास किया गया। यज्ञाचार्य पंडित रामानुज त्रिपाठी वैदिक ने सभी मूर्तियों को अन्न से ढककर वैदिक मंत्रों के बीच मूर्तियों का अन्न अधिवास कराया गया। प्रातः से 18 पुराणों का पाठ एवं वैदिक मंत्रों का पूजन विद्वान आचार्यगण द्वारा संपन्न हुआ। यज्ञ में योगी कमलनाथ महाराज आज के मुख्य यजमान श्रवण जालान ने पूजन किया। यज्ञाचार्य श्री रामानुज त्रिपाठी व अश्विनी त्रिपाठी के सानिध्य में नित्यानंद तिवारी आशीष पांडे सोनू पांडे प्रवीण मिश्रा अमर तिवारी नवीन मिश्रा नीतीश पांडे रुद्रेश रूपेश नारायण मिश्रा के द्वारा लक्ष्मी नारायण यज्ञ के अंतर्गत दो लड़कियों के घर्षण का प्रकट हुआ तथा हवन किया गया। पुष्पाणि धारकारो भवानि सा कुसाजले मया लता गुरे